हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा कोर्स चला है एग्जाम ओरिएंटेड इडियम फ्रेजेस। ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एपिसोड 1 से लेकर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और एपिसोड 6 से चल रहा है गाइस। हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये कोर्स के लिए मैंने काफ़ी अच्छे सोर्सेज से हेल्प ली हुई है, हर कोर्स में, हर लेसन में मैंने आपको बताया है। चलिए हम देखते हैं एपिसोड 6 से हमारा ये गाइज। फर्स्ट देखते हैं हम ईडियम फ्रेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट आप डेली देखते हो, प्लेन टू पैरामेंट वॉल्यूम 1, प्लेन टू पैरामेंट वॉल्यूम 2, एसपी बक्सी पब्लिकेशन, तो ये ईडियम हर हाल में मिला होगा आपको। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर का मीनिंग क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट, एंडिंग, फिनिशिंग होना। मान लीजिए आप सपोज कीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उस टाइम पर आपके केवल जो है 1-2 मिनट बचे हुए हैं। 1-2 मिनट के दौरान हम लोग बोलते हैं कि सर से, सर प्लीज़ एक एक्स्ट्रा मिनट दे दीजिए, प्लीज़ एक्स्ट्रा मिनट दे दीजिए, हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है। तो उसी तरीके से एट द लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन हॉल के, इसलिए इमेजेस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू आप वोकेबलरी को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। हम सारी वोकेबलरी ऐसे ही पढ़ेंगे, यानी कि एट द लास्ट मोमेंट एंडिंग होना, फिनिशिंग होना, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, यू कैन नॉट पास द एग्जाम बाय स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एट द 11th आवर। आप एग्जाम को पास नहीं कर सकते बाय स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन एट द 11th आवर। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन की स्टार्ट करते हैं, यानी कि लास्ट के दिनों में, तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, इमेजेस के थ्रू भी बताया मैंने आपको। आई होप आप इस कभी भी नहीं बोलोगे, अगर आपको ये किसी भी नॉवल में मिले, आप एग्जाम में मिले, हो सकता है ये एग्जाम में मिले आपको, जो एग्जाम कंडक्ट होगा जून में या CHSL के एग्जाम में मिले, तो नेवर एवर फॉरगेट एट द 11th एट द लास्ट मोमेंट एंड एंडिंग फिनिशिंग, प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक का मीनिंग होता है स्ट्रेंज, पिक्यूलर होना, यानी कि अनजाना सा होना। ये बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए मैंने इस वर्ड को रखा है आपके लिए। तो प्लीज रिमेंबर एट पिक्यूलर, यानी कि अनजाना सा होना, अजनबी होना, ठीक है। आप इमेज में भी दे सकते हैं, जैसे कि लड़के ने वाटरमेलन लगा रखा है, तरबूज लगा रखा है, काट के, तो अजीब सा लग रहा है, ठीक है, अजनबी सा लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, पॉलिटिक्स इज ए ऑल ग्रीक फॉर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉलिटिक्स कैसी है, यानी कि एक अनोखी सी है, अनजानी सी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ का मीनिंग क्या होता है? अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी कि अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंड के साथ जो है फ्रेंडली नहीं बनना, ठीक है। आप इमेज में भी देख सकते हो, ठीक है। नेवर एवर फॉरगेट, आप इमेज में देख सकते हैं ये पर्सन जो कैसे कर रहा है, ठीक है, बिहेव ऐसे कर रहा है कि जो शरारती लोग होते हैं, जो गंदे फ्रेंड्स होते हैं, उसे अवॉइड करना, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, आई ऑलवेज कीप सेल्फिश फ्रेंड्स एट एन आर्म्स लेंथ, आई ऑलवेज कीप सेल्फिश फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ। मैं जो है सेल्फिश फ्रेंड जो होते हैं उनसे मैं हमेशा कैसे रहता हूँ, दूर रहता हूँ, अवॉइड करता हूँ, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली एट, आई ऑलवेज कीप सेल्फिश फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ। जो सेल्फिश फ्रेंड्स होते हैं मैं उनसे हमेशा जो है क्या रहता हूँ, दूर रहता हूँ, ठीक है। नेवर एवर फॉरगेट, अगर आपको ये idiom phrase मिले तो आपको कभी नहीं भूलना है। आपको एग्जाम जो कंडक्ट होगा 2018 का SSC CGL का, जो जून में कंडक्ट होगा, नेवर एवर फॉरगेट एट सिनेरियो स्पेस, यानी कि किसी भी काम को करना धीरे धीरे करना, टू मूव वेरी स्लोली, टू मूव वेरी स्लोली। जैसे कि आप लोग जानते हैं जो कछुआ जो चलता है वो कैसे चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, रेंगते रेंगते चला है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, हमको लाइफ में जो सक्सेस लेनी है ना, आपको कछुए बन के लेनी चाहिए, ना कि खरगोश बन के, ठीक है। इन ऑफिस फाइल्स मूव एट सिनेरियो स्पेस, जो फाइल्स जो मूव कर रही हैं वो कैसे कर रही हैं, बहुत धीरे 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 मूव कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपको idiom phrase मिले 2018 के एग्जाम में, नेवर एवर फॉरगेट, आपको गलत नहीं करना है, टू मूव वेरी स्लोली, धीरे धीरे मूव करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अखिलेशील, अखिलेशील का मीनिंग होता है वीक होना, लैंग्वेज होना, नहीं बहुत ही कमजोर होना, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पे इंक्लूड होता है फीबल होना, वो भी क्या होता है, कमजोर होना है, होता है। आप इमेज में भी देख सकते हैं ये पर्सन क्या है, बहुत ही कमजोर है। एग्जाम्पल देते हैं, बायोलॉजी हैज ऑलवेज बीन माई अखिलेशील, बायोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है वो कैसा है, एक अखिलेशील है, यानी कि बहुत कमजोर है मेरे लिए। कुछ स्टूडेंट लोगों के लिए मैथमेटिक्स होता है, कुछ लोगों के इंग्लिश होता है, कुछ लोगों के लिए जनरल स्टडीज होता है, कुछ लोगों के रीजनिंग भी होता है। तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी हैज ऑलवेज बीन माई अखिलेशील, बायोलॉजी कैसा है मेरे लिए सब्जेक्ट है, एक बहुत ही कमजोर सब्जेक्ट है मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्स टू ग्रेंड का मीनिंग क्या होता है, समथिंग डन फॉर सेल्फी रीजन्स, मतलब कि कोई भी काम करना एक सेल्फी रीजन्स के लिए काम करना। आप इमेज में देख सकते हैं ये पर्सन मतलब ऐसे बिहेव कर रहा है, जब अपनी लड़की के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, जैसे कि अपनी जब लड़की की टर्न थी तो इसने खुद ले लिया, ठीक है। लेकिन अब इसकी खुद की बारी आई तो लड़की को दे नहीं रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग करते भी हैं, ठीक है, मतलब कि सेल्फी रीजन्स के लिए करना, अपने मतलब अपने काम से मतलब रखना, अपने लिए मतलब रखना केवल, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, इवन इन अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स पॉलिटिशियंस फाइंड एन एक्स
टू ग्रीन, यानी कि पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं अपना मतलब सिद्ध करती हैं, ठीक है, अपना मतलब सिद्ध करते हैं पॉलिटिशियन लोग, जब उनको वोट चाहिए होती है तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे कि अब इलेक्शन आ रहे हैं बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, सब चीज़ें अलाउट कर देते हैं इलेक्शन टाइम पर, जब इलेक्शन में जीत जाते हैं जो अपना मतलब कोई काम नहीं करते हैं, यानी कि अपना मतलब सिद्ध करना, एक्स टू गेन, यानी कि समथिंग डन फॉर सेल्फी रीजन्स के लिए, सेल्फी रीजन्स के लिए काम करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब एज गुड लक गुड हैबिट, यानी कि एक अच्छा लक होना, फॉर्चुनेट होना, लक्की होना, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं एज गुड लक गुड हैव इट इट डिड नॉट रेन ऑन द डे ऑफ द वेडिंग, यानी कि एक अच्छा भाग्य होना, अच्छी किस्मत का होना, कब होना, जब शादी के दौरान बारिश का नहीं आना, ठीक है। एज गुड लक वुड हैव इट, यानी कि फॉर्चुनेट होना, लक्की होना, आप इमेज में भी दे सकते हैं, मान लीजिए आपकी शादी है, आपकी शादी के दौरान बारिश नहीं आती है तो आप सब कुछ चीज़ें आप लक्की पर्सन है, फॉर्चुनेट हैं, ठीक है। आई होप आपको ये मीनिंग याद हो गया होगा, इडियम फ्रेज नेवर एवर फॉरगेट। नहीं देखते हैं एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट क्या होता है, यानी कि एक कठिन परीक्षा का होना, एक अग्नि परीक्षा का होना, जैसे आप लोग जानते हैं अभी इलेक्शन कंडक्ट होने हैं तो उसकी सेंस में हम बोल सकते हैं अ टेस्ट विच रियली प्रूव्स द वैल्यू क्वालिटी अस्तित्व ऑफ समथिंग की, एक टेस्ट होना जिसमें क्वालिटी बताया जाएगा, ठीक है, उसमें रियली प्रूव किया जाएगा वैल्यू क्या है, क्वालिटी क्या है, अस्तित्व ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की ट्रुथ पता, सच्चाई पता चलेगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं 2019 में इलेक्शन कंडक्ट होने, तो वो इलेक्शन बताएगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, बीजेपी पार्टी क्या क्या किया बीजेपी पार्टी ने 5 सालों के अंदर, ठीक है। 2019 इलेक्शन, मैंने आपको हर लेसन में बताया विद इमेजेस और एग्जांपल के थ्रू और रिविजन के थ्रू, हम ईडियम फ्रीज को अच्छे से लर्न करेंगे, और मेरी द हिंदू के वोकैबुलरी के कोर्स भी चल रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट चल रहा है, इमेजेस के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, विद रिविजन के थ्रू, आप बहुत अच्छे से हम लोग याद करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं द नो कॉन्फिडेंस मोशन टू बी ब्रोट बाय द अपोजिशन विल बी एन एसी टेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट का, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया लाया गया है किसी अपोजिशन पार्टी के द्वारा, ठीक है, ब्रोट बाय अपोजिशन पार्टी के द्वारा, एक गवर्नमेंट के लिए कैसा टेस्ट रहेगा, एक एसी टेस्ट रहेगा, एक कठोर टेस्ट रहेगा, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग जरूर देखें, प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं रिवीजन टाइम है, रिवीजन टाइम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिकॉल कीजिए आप वर्ड को। अकेली सील का मीनिंग क्या पढ़े थे, वीक, यानी कि लैंग्वेड होना, कमजोर होना, और ग्रीक का मीनिंग हम क्या पढ़े थे, स्ट्रेंज होना, पिक्यूलर होना, यानी कि कमजोर होना, स्ट्रेंज का मीनिंग क्या पढ़े थे हम लोग, यानी कि अनजाना होना, सॉरी और ग्रीक का मीनिंग अनजाना सा होना, अनोखा सा होना, वाटरमेलन की इमेज लगी हुई थी ना उसी तरीके से, एट एन आर्म्स लेंथ, यानी कि अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी कि ज़्यादा लोगों के साथ दोस्ती ना करना, एट स्नेल पेस टू मूव वेरी स्लोली, यानी कि धीरे 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 मूव करना, कछुए की तरह धीरे धीरे मूव करना, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, एंडिंग फिनिशिंग होना, यानी कि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम को क्रैक करना, एक्स टू ग्रीन, यानी कि समथिंग डन फॉर सेल्फी रीजन, किसी काम को करना सेल्फी रीजन्स के लिए करना, अपने मतलब अपना मतलब सिद्ध करना, एज गुड लक वुड हैव इट, यानी कि फॉर्चुनेट होना, लकी होना, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं एसी टेस्ट, यानी कि अ टेस्ट विच रियली प्रूव्स द वैल्यू क्वालिटी ऑफ ट्रूथ ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वालिटी को पेश करना, ठीक है, यानी इलेक्शन आएंगे 2019 का, वो क्वालिटी को पेश करेंगे, ठीक है। आई होप, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माय हिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल, और गाइस थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के, बारंबार धन्यवाद। अगर आपको लेसन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, इसमें हम्बल लोकेश, ओके गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।